फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करेंगे एचएसएससी का फोर्थ पेपर जो कि हो चुका है। ठीक है, हम ए टू जेड पेपर सोल्व करेंगे जो कि हमारे 100 पेपर हो चुके हैं लगभग एचएसएससी के। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड कलर के बटन पे क्लिक करें। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो ना करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, यदि किसी संख्या के एक चौथाई के एक तिहाई का मान 15 है तो उस संख्या के 3/10 का मान क्या होगा। यदि कोई भी संख्या x है, उस संख्या के एक चौथाई मतलब 1/4, एक चौथाई हो गया, का एक तिहाई मतलब 1/3 उसी संख्या का कितना है 15, तो ये कितना हो गया x 4 थी ये 12/15, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 15 गुना 12 180। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने उस संख्या का निकालना क्या, 3/10, संख्या कितनी आ गई हमारी 180, उसका क्या क्या निकालना है 3/10, तो 180 का 3/10 कितना आ जाएगा 10 से 18 जो कि हमारा आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू, दो पाइप ए तथा बी किसी होज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भर जाएगी। ए पाइप कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में 20 में, और बी पाइप कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। टोटल इनका जो भी एलसीएम आए वही हमारी क्या हो जाएगी, टंकी उतने लीटर की। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 60, तो टंकी कितने लीटर की होगी, 60 लीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 20 मिनट में भर रही है तो पहले ये नल तो 3 भरेगी 3 लीटर एक मिनट में, और ये 30 मिनटों में भर रहे तो एक मिनट में कितना भरेगा, 2 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि दोनों खोल दिए जाएं, ये 3 भरेगा ये 2 भरेगा, तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, 5। हमने भरना कितना है 60 लीटर, तो 60/5 12×5 60, तो 12 मिनट में ये दोनों मिलके टंकी को भर देंगे, तो बी हमारा जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक नल के द्वारा एक टंकी 20 मिनट में भरी जा सकती है और अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में भरी जा सकती है, यदि दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं तो फिर पहला नल बंद कर दिया जाए, इसके बाद यह टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ए नल कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, और बी नल कितने मिनट में भरता है, 60 मिनट में, तो 20 और 60 का एलसीएम 60, तो टंकी कितने लीटर की होगी, 60 लीटर की। ये 20 मिनट में भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर, और ये 60 मिनट में भर रही है तो एक मिनट में कितना भरेगा, एक लीटर, तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, 4 लीटर। 10 मिनट के लिए दोनों खोल दिए जाते हैं, मतलब एक मिनट में ये दोनों 4 भर रहे हैं, ए और बी 10 मिनट के लिए खोल दिए गए, एक मिनट में 4 भरते हैं तो 10 मिनट में कितना भर देंगे, 40 लीटर। अब टंकी कितने रहेगी टोटल, तो तथा फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है, मतलब ए नल बंद कर दिया तो कौन चलेगा, ओनली बी चलेगा, इसके बाद यह टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी, इसके बाद पूछा है, तो इसके बाद बी भरेगा और टंकी कितनी रहेगी, 20, तो 20 ये एक मिनट में कितना भरता है, एक, तो 20 मिनट में 20 लीटर भर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट, जो कि हमारा सी आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, ए की पावर -1/3 गुणा में ए की पावर 1/3 गुणा में ए की पावर 1/2, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, ए की पावर m हो गुणा में ए की पावर n हो गुणा में ए की पावर p हो, तो हम क्या करते हैं, यदि आधार सेम है तीनों का तो m+n+p, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की पावर -1/3 + a की पावर 1/2 + a की पावर 1/2, ये -1/3 + 1/3 कट गए, तो ए की पावर 1/2, जो कि हमारा आंसर है सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइव, 54, 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, यदि महत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 27 पे जाएगा, 27 दूनी 54, फिर 3 3 9 27,
तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तो 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही 288 को क्या लिख सकते हैं, पहले दो पे जाएगा, दो एकम दो चार, फिर दो पे सात दो, फिर दो पे 36, फिर दो पे 18, फिर नौ, फिर दो बार तीन, तीन पे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 288, ये तो हो गया 54 को लिख दिया, फिर 288 को क्या लिख सकता हूँ, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन। ठीक है फ्रेंड्स, दो चार पाँच और तीन, अब लिखेंगे हम 360 को। 360 को कैसे लिख सकते हैं, दो 180, फिर 90, 45, फिर पाँच नीम 45, फिर तीन और फिर तीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो गुणा दो गुणा दो गुणा पाँच गुणा तीन गुणा तीन। अब इतना करने के बाद HCF कैसे निकलेगा, यदि महत्तम स्वाभाविक प्रत्यय निकालना हमने, कैसे निकलेगा, जो भी चीज़ कॉमन हो, जैसे यहाँ पे एक बार दो है तो यहाँ भी है दो, यहाँ भी दो है तो दो ले लिया, दो तो तीनों में ही है। अब यहाँ पर तीन बार तीन है, यहाँ दो बार है, यहाँ तीन दो बार है, तो हम दो बार लेंगे क्योंकि दो बार तो तीनों में ही है, तीन तिया नौ, नौ दुनी 18, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन का ए। सात का वह सबसे छोटा गुणांक जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 बचे। पहले तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 6, 9, 15 तथा 18 का एलसीएम ले लो। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे दो तीय 6, 9, फिर 15 का 15, दो नीम 18, तीन एकम तीन, तीन तीय नौ, तीन पंजे 15, तीन तीय 9, फिर तीन पे एक एक पाँच एक, फिर पाँच पे पाँच एकम पाँच पाँच एक। अब कितना आएगा एलसीएम, दो तीय 6, 6 तीय 18, 18 पंजे 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें यदि मैं 4 जोड़ दूंगा 94, तो शेषफल तो हर बार 4 बचेगा, लेकिन ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है, 94 भी ऑप्शन में है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 90 को मैं 2 से गुणा करूंगा 180, तो 4 से 4 जोड़ूंगा फिर 184, लेकिन ये भी मल्टीपल, ये भी 7 का वो नहीं है, तो हम 4 से गुणा करूंगा तो 360 90 के प्लस 4, ये हमारा बनेगा, पहले एक पुट किया फिर दो फिर तीन फिर 4 पुट करूंगा तो 90 चौका 360 और 4 364, जो कि हमारा आंसर है, क्योंकि ये 7 से भाग जाता है, 7 5 35, 1 7 9। एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 माह के लिए 3500 रुपये है, शुरू के जो 9 महीने के लिए कितना है 3500 रुपये, और तथा शेष 3 माह के लिए कितना है, प्रति माह के लिए यह अंशदान 5500 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, और 5500 रुपये है, उसका कुल अंशदान 58000 से कितना कम है ये बताना है, 58000 से कितना कम है, तो ये 9 महीने के लिए औसत इतना है, तो कितना हो जाएगा 900, 900, 900, 9 5 45, 4 9 27 और 4 31 हो गया, और ये तीन औसत इतना था, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दें, 0 0 3 5 15 असल 1 3 5 15 और 1 16, 0 0 0 6 और 1 7 और 1 8 3 और 1 4, कितना हो गया 48000 आ गया इनका टोटल, और 58000 से कितना कम है 48000, 10000, जो कि हमारा डी आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के लिए 2200 था, 3 माह के लिए कितना था 2200 रुपये, 4 माह के लिए 2250 तथा वर्ष के अंतिम 5 माह के लिए 3120 रुपये था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत कितनी थी 1260 रुपये थी, तो औसत मासिक आमदनी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 3 महीने, 1 महीने का औसत इतना है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 66, सो 3 से 4, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 0 0 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, और इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0 5 2 10 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6 और 5 3 15। ठीक है, और बचत इसमें टोटल जुड़ जाएगी, तो ये टोटल कितना हो गया 0 6 6 और 2 8 और 6 14 हासिल 1 1 और 5 6 और 9 15 और 6 21 और 1 22 3, 32460, ये तो हो गया टोटल, इसको हम 12 से भाग दे देंगे और हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक अवश्य करें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के बिक्री कीमत के समान है यदि लाभ 25% हुआ। आप देखो टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 20, 25% लाभ हुआ तो 20 का 25% निकालें तो कितनी आ गई, 5 वस्तुओं का लाभ हुआ। 20 का 25% कितना आ जाएगा, 5 वस्तुएं, तो 5 वस्तुओं का लाभ हुआ 20 वस्तुओं पर, तो गुणा 100, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 25%, जो कि हमारा आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम क्वेश्चन, 41, 42, 43, 50 इसको कैसे करें। वैसे तो इसको समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, समांतर श्रेणी से, लेकिन इसकी हमारे पास ट्रिक भी है। जो 41 से देखो फ्रेंड्स, यदि 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका जोड़ कितना आएगा 55। यदि 11 से 20 तक करें तो इसका जोड़ 155। यदि 21 से 30 तक करें इसका 255। और देखो 2 से शुरू हो रहा है 255, 1 से शुरू हो रहा है 155, ये 01 था तो 055। 31 से चालू हो जाए तो 355 और 41 से स्टार्ट हो जाए तो 455, जो कि हमारा आंसर है सी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो।